Hello, welcome back to my channel, Medical and Nursing Knowledge Hub. Myself, Pooja Kajla, and today we will discuss a very, very important topic from psychiatry or mental health nursing, that is psychopharmacology. One or two questions are always expected from this area. Chahe ek particular class ka drug pucha hai, uska side effect pucha jaye, ya special consideration ya nursing responsibility us drug mein puchi jaye. So, psychopharmacology do words se bana hua hai, psycho and pharmacology. Psycho means related to psychology or psychiatry. Pharmacology means study of drugs or medicine. In psychopharmacology, we used to study the effects of drug on affect cognition and behavior. Affect matlab mood, cognition matlab thinking and behavior. So, hume pata hai, psychiatric patient mein yahi tino cheeze change hoti hai. तो साइकोफार्माकोलॉजी में हम देखेंगे कि जो मेडिसिंस है उनका क्या इफेक्ट हो रहा है पेशेंट के मूड पे, थिंकिंग पे एंड बिहेवियर पे, मीन्स उस पर्टिकुलर बीमारी को कैसे ठीक कर रहे हैं. तो बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, बट जो हम कॉमन ग्रुप पढ़ते हैं ड्रग्स का साइकेट्री में, दीज आर सेडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड एंग्जियोलाइटिक्स. मीन्स जो इंसोमनिया की प्रॉब्लम, नींद ना आने की प्रॉब्लम को सही कर रहे हैं या घबराहट को दूर कर रहे हैं, दैट इज एंग्जियोलाइटिक्स. देन इट कैन बी एंटी डिप्रेसेंट और मूड स्टेबलाइजर्स. मीन्स जो हम मेनली मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, मेनिया है, डिप्रेशन है, उसको ठीक करने के लिए हम दवाइयां दे रहे हैं. देन इट कैन बी एंटी साइकोटिक्स, मीन्स जो साइकोसिस को ठीक करने के लिए, इन केस ऑफ स्किजोफ्रेनिया एंड अदर डिसऑर्डर हम ड्रग्स यूज कर रहे हैं. देन इट कैन बी एंटी कोलिनर्जिक, मीन्स जो सिक्रेशंस को कम कर रहे हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो साइकेट्री के होते हैं. और अदर डिसऑर्डर स्पेसिफिक ड्रग्स कैन बी देयर, लाइक फॉर डिमेंशिया, डिलेरियम, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, पार्किंसोनिज्म, उन सब के लिए हम अलग अलग मेडिसिंस पढ़ते हैं. तो आज हम इसमें जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आपको पता होने चाहिए वो देखेंगे. एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट करने से पहले ड्रग्स की, मैं आपको इफेक्ट्स ऑफ ड्रग इन न्यूरोट्रांसमीटर्स बताती हूँ. क्यों? क्योंकि जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक या फंक्शनल डिसऑर्डर भी बोलते हैं. वो मेनली न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेस होने की वजह से होते हैं, कि पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ गया है, कम हो गया है या और कुछ, जो मैंने साइको पैथोलॉजी में भी डिस्कस किया है, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो. तो जो ड्रग्स होते हैं साइकेट्री, वो मेनली न्यूरोट्रांसमीटर पे काम करते हैं. वो पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को इंक्रीज कर सकते हैं या उसको ब्लॉक कर सकते हैं, या जो रिसेप्टर है उनकी सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं एट साइनेप्स लेवल, और इट कैन ब्लॉक द री अपटेक ऑफ पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर. तो फर्स्ट क्लास इज सिडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड एंग्जियोलाइटिक्स. ये मेनली हम इंसोमनिया के केस में यूज करते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर में यूज करते हैं, मीन्स पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, घबराहट है. तो इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली क्लास होती है, दैट इज बेंजोडाइजेपिन्स. बेंजोडाइजेपिन्स मेनली गाबा रिसेप्टर पे काम करते हैं. गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, एंड बेंजोडाइजेपिन्स विल इंक्रीज द लेवल ऑफ गाबा न्यूरोट्रांसमीटर. अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली पेशेंट विल बी रिलैक्स्ड एंड काम हो जाएगा, मीन्स शांत हो जाएगा, एंग्जाइटी दूर हो जाएगी और पेशेंट को नींद आ जाएगी. दीज ड्रग्स वर्क्स वेरी वेरी फास्ट, सो इट कैन बी गिवन इन इमरजेंसी रूम टू काम डाउन द पेशेंट. अगर हम इसकी क्लासेस की बात करें तो ये तीन हो सकती है, वेरी शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग. जो वेरी शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स होती है उसका एग्जांपल हो सकता है मिडाजोलाम, शॉर्ट एक्टिंग में लोराजिपाम और एल्प्राजोलाम, आपने नाम सुने होंगे. द लॉन्ग एक्टिंग में डाइजिपाम, क्लोडाइजिपोक्साइड और क्लोनाजिपाम. सो इन वेरी शॉर्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग मीन्स ये कितना जल्दी अपना इफेक्ट करती है, जो रिक्वायर्ड इफेक्ट है वो कितना जल्दी हम अचीव करते हैं. एल्प्राजोलाम जैसे अपनी किस में आती है, शॉर्ट एक्टिंग में आती है, उसकी वजह से ये जल्दी इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और पेशेंट के सिम्टम्स को फटाफट, मीन्स पेशेंट के एंग्जाइटी को रिलीव कर देती है. तो इट हैज वेरी वेरी हाई हैबिट फॉर्मिंग पोटेंशियल. पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, घबराहट है, पेशेंट ने फटाफट दवाई ले ली तो उससे पेशेंट को आदत पड़ जाती है, वो अपनी कोपिंग स्किल्स को यूज नहीं करता. तो हाई हैबिट फॉर्मिंग पोटेंशियल. देन इट कैन ऑल्सो कॉज रीबाउंड एंग्जाइटी. इट मीन्स हम एंग्जाइटी को दूर करने के लिए दवाई दे रहे हैं, बट इट कैन कॉज रीबाउंड एंग्जाइटी. मीन्स रीबाउंड मीन्स वापस से कोई चीज हो जाना. दवाई ली, एंग्जाइटी दूर हुई, बट उसके बाद इफेक्ट जाने के बाद पेशेंट को और ज्यादा एंग्जाइटी हो सकती है. एल्प्राजोलाम बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, इसीलिए हम प्रेफरेबली यूज करते हैं क्लोनाजिपाम, जो लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है. बट इसका भी एक साइड इफेक्ट होता है, दैट इज पैराडॉक्सिकल एजिटेशन. मीन्स जैसे वो रीबाउंड एंग्जाइटी कर सकते हैं, वैसे ही ये कि हमने एंग्जाइटी को ही दूर करने के लिए दिया, लेकिन इट कैन इंक्रीज द एंग्जाइटी और एजिटेशन. देन कुछ ड्रग ऐसी भी है जो बेंजोडाइजेपिन नहीं है, बट वो भी एंग्जाइटी को दूर करती है. एग्जाम्पल इज बसप्यूरोन. बसप्यूरोन
सीरोटोनिन एगोनिस्ट है, मीन्स ये सीरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करती है। इसकी अच्छी बात यह है कि ये सेडेटिव नहीं है और ये एडिक्टिव नहीं है, तो ये दिन में या मॉर्निंग डोजेज में भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पैनिक इफेक्ट में काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है वो धीरे धीरे आता है, इट इज नॉट शॉर्ट एक्टिंग और वेरी शॉर्ट एक्टिंग। देन जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उस केस में जो ड्रग यूज होती है दैट इज प्री गाबालिन, ये भी इतनी ज्यादा एडिक्टिव नहीं होती, मीन्स लेस अब्यूज पोटेंशियल होता है, सो ये भी प्रेफर की जाती है। देन वन टर्म इज देयर दैट इज नार्कोलेप्सी, मीन्स एक्सेसिव स्लीप, इंसोम्निया मीन्स नींद नहीं आ रही है, नार्कोलेप्सी मतलब बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, उसको रिकवर करने के लिए, क्योर करने के लिए हम एक ड्रग देते हैं दैट इज आर्मोडाफिनिल, यू शुड नो द नेम। देन सेफ्टी कंसर्न, अगर कोई पेशेंट बेंजोडाइजेपिन्स ले रहा है, कोई भी डाइजेपाम, क्लोनाजेपाम, एल्प्राजोलाम, तो पेशेंट शुड नॉट ड्राइव और ऑपरेट हैवी मशीन्स, मीन्स वी शुड एडवाइज पेशेंट। क्यों? क्योंकि बेंजोडाइजेपिन से सेडेशन होता है, नींद आने जैसे रहता है, तो पेशेंट मे हैव एनी एक्सीडेंट। देन दीज मेडिकेशन मस्ट नॉट बी डिसकंटिन्यूड एब्रप्टली, एकदम से पेशेंट हाई डोज ले रहा है और एकदम से छोड़ना नहीं है, टेपर शेड्यूल इज प्रिस्क्राइब्ड। हमेशा फिजिशियन धीरे धीरे डोज कम करता है कि पहले 5 mg था तो 2.5 mg किया, देन 0.5 किया, एंड लाइक दिस। देन कम्स टू एंटी डिप्रेसेंट, हम इसको मूड एलिवेटर भी बोल सकते हैं। दीज ड्रग्स आर टू रिड्यूस डिप्रेशन, हमें पता है डिप्रेशन क्यों होता है, हमने साइकोपैथोलॉजी वाली स्लाइड्स में देखा था। इट कैन बी ड्यू टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ सीरोटोनिन, नोनेपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। तो इसमें जो भी दवाई होगी वो क्या करेगी, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को इंक्रीज करेगी। तो जो इसकी क्लासेस होती है, इट कैन बी 3 or 4, लाइक SSRIs मींस सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर, एग्जांपल इज सर्टालिन। TCA मींस ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एग्जांपल इज एमिट्रिप्टालिन। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, एग्जांपल इज ट्रेजोडोन। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स, एग्जांपल इज एमिनेप्टिन। TCA है, हम इसको टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स भी बोलते हैं। फर्स्ट थिंग इज SSRIs मीन्स सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर, तो इसके नाम से पता लग रहा है सीरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर, कि जो सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसके रिअपटेक को ये इनहिबिट कर देंगे, मीन्स जो साइनेप्स है वहां पर सीरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज कर देंगे। और हमें पता है डिप्रेशन क्यों होता है, सीरोटोनिन के लेवल कम होने की वजह से, सो इट विल वर्क। इसके अंदर जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, जैसे मैंने सर्टालिन एग्जाम्पल बताया, अदर इसम या फ्लुक्सेटिन। फिर अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इट कैन कोज GI डिस्टर्बेंसेस, मींस नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। इट कैन कोज सेडेशन, मींस नींद आने जैसे रहेगा पेशेंट को, बट इट कैन कोज इंसोम्निया ऑल्सो, मींस इट वेरीज पेशेंट टू पेशेंट। कुछ पेशेंट में नींद बहुत ज्यादा लाएगा, कुछ में नींद लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। देन इट कैन कोज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ऑल्सो इन सम पेशेंट, लाइक इट कैन कोज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डिलेड इजैकुलेशन एंड डिक्रीज लिबिडो। एक्चुअली ये डिप्रेशन के कारण भी साइन एंड सिम्टम हमें मिलेंगे, बट ड्रग की वजह से भी ये हो सकते हैं। सो GI ब्लीड्स को रोकने के लिए हम कई बार पेशेंट को एंटासिड भी देते हैं इन दवाइयों के साथ साथ। एक जो मोस्ट कॉमन इसका साइड इफेक्ट रहता है दैट इज विविड ड्रीम्स, मीन्स अजीब अजीब सपने आएंगे पेशेंट को, वो मेनली सिटालोप्रम की वजह से होता है। और पेशेंट में वेट गेन भी देखा जाता है, लेकिन जो फ्लुक्सेटिन है SSRI उससे लेस वेट गेन होता है। सो सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है, इंसोम्निया प्रॉब्लम है, वेट गेन की प्रॉब्लम है, तो हम SSRI की जगह हम कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रखते हैं डिप्रेशन के केस में? चॉइस ऑफ एन एजेंट विल बी बुप्रोप्यून, लेट वेट गेन कराती है, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, डिक्रीज इन लिबिडो या इरेक्टाइल डिसफंक्शन और अदर, वो इस बुप्रोप्यून के केस में नहीं होते हैं। ये क्या करती है, इंक्रीज करती है डोपामिन लेवल का, लेकिन हम ये साइकोसिस या सीजर्स के केस में नहीं देंगे बुप्रोप्यून। देन इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, इट कैन कोज रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, एंग्जाइटी एंड नोजिया। देन अनदर एंटी डिप्रेसेंट दैट इज माओ इनहिबिटर्स इज ट्रेजाडोन, इसका जो स्पेसिफिक साइड इफेक्ट रहता है, इट कैन कोज प्रियपिज्म मींस परसिस्टेंट इरेक्शन। देन TCAs मींस ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इनको हम क्लासिकल एंटी डिप्रेसेंट भी बोलते हैं, ये मेनली नोनेपिनेफ्रिन के रिअपटेक को ब्लॉक करते हैं। जैसे SSRI सीरोटोनिन के रिअपटेक को ब्लॉक करेगी, वैसे TCA नोनेपिनेफ्रिन के रिअपटेक को ब्लॉक करेगी। फिर हम बात करते हैं ड्रग टॉक्सिसिटी की, साइड इफेक्ट के साथ साथ और ज्यादा सिवियर साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। अगर हम TCAs को यूज कर रहे हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स को हम यूज कर रहे हैं, देन इट कैन कोज लोड्स एंड लोड्स ऑफ एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट। देन देर कैन बी चांसेस ऑफ सीरोटोनिन सिंड्रोम इन केस ऑफ SSRIs। देन देर कैन बी चांस ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस इन केस ऑफ माओ इनहिबिटर्स। TCA कैन कोज लोड्स ऑफ एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट, मीन सिक्रेशंस को कम कर देंगे, सो इट कैन लीड टू ड्राइनेस ऑफ माउथ, कंफ्यूजन, कोमा, हार्ट ब्लॉक, GI डिस्टर्बेंसेज और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस।
तो टीसी के केस में हम मैनेजमेंट के लिए एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट को मैनेज करने के लिए हम मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। देन सीरोटोनिन सिंड्रोम मेनली एसएसआरआई लेने की वजह से जो हो सकती है, इट कैन कोज मायोक्लोनस मींस चेंज इन टोन ऑफ मसल्स। देन हाइपरटोनिया, इट कैन इंक्रीज द टोन, रिजिडिटी और फीवर, ये मेनली ओवरडोज की वजह से होता है या ड्रग इंटरेक्शन की वजह से होता है। सो वी शुड बी कॉशियस कि भाई पेशेंट एक साथ कौन कौन से ड्रग ले रहा है या पेशेंट को ओवरडोज तो नहीं हो रही है। मैनेजमेंट में क्या रहेगा, हाइड्रेशन एंड गुड नर्सिंग केयर, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन बाय हेल्थ केयर टीम मेंबर्स। देन इन यूज ऑफ माओ इनहिबिटर्स, इट कैन कॉज हाइपरटेंसिव क्राइसिस, मींस इट विल लीड टू वेरी मच हाई बीपी ऑफ पेशेंट। ये मेनली क्यों होता है, अगर कोई माओ इनहिबिटर्स मेडिसिन ले रहे हैं लाइक ट्रेजाडोन कोई ले रहा है, तो उस केस में पेशेंट ने अगर कोई टायरामिन रिच फूड लिया है तो उसकी वजह से ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। टायरामिन रिच फूड हम पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं अगर कोई माओ इनहिबिटर ले रहा है, मीन्स ट्रेजाडोन वगैरह ले रहा है। तो क्या क्या डाइट होती है टायरामिन रिच, लाइक बीफ, चिकन, ड्राई फिश, ओवर राइप फ्रूट, पिकल्स, चॉकलेट बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, कॉफी एक्सेट्रा। वी शुड आस्क द पेशेंट टू अवॉइड दिस डाइट्स व्हाइल टेकिंग माओ इनहिबिटर। देन कम्स टू मूड स्टेबलाइजर्स, हम इनको थायमोलेप्टिक्स भी बोलते हैं, मेनली हम मेनिया के केस में या बीपीएडी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के केस में हम ये देते हैं। एग्जाम्पल आपको पता है लिथियम, सोडियम वेलपोरेट, कार्बामाजेपिन एंड लैमोट्रिजिन। साइड इफेक्ट जो रहता है कार्बामाजेपिन और लैमोट्रिजिन, इट कैन कोज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, मीन्स चेंजेस इन मसल्स, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। देन इट कैन ऑल्सो कॉज टॉक्सिक एपिडर्मिक नेक्रोलाइसिस। ये मेनली कब होती है, जब स्टार्ट करते हैं हम कार्बामाजेपिन या लैमोट्रिजिन, इसीलिए हमेशा फिजिशियन इसको स्लोली स्टार्ट करता है, मीन्स धीरे धीरे डोज इंक्रीज करता है अंडर ऑब्जर्वेशन। देन वेलपोरेट कैन कोज वेट गेन, वाइटनिंग ऑफ हेयर्स, हेपेटोटॉक्सिसिटी, सेडेशन, इंक्रीज इन और वर्सन द साइंस ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। देन इट कैन कोज अटैक्सिया, मीन्स लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, देन हेमरेजिक पैनक्रेटाइटिस या हाइपर अमोनीमिया। तो अगर पेशेंट ये ड्रग्स ले रहा है, वेलप्रोइट ले रहा है, तो हमें पेशेंट का टाइम टू टाइम किडनी फंक्शन टेस्ट कराना है, अदर हॉर्मोन्स के लिए देखना है और लिवर फंक्शन टेस्ट हमें LFT KFT कराना है। देन लिथियम, इट कैन कोज लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म एंड डायबिटीज इंसिपिडस टाइप ऑफ नेफ्रोपैथी। देन इट कैन कोज ट्रेमर्स, इट कैन बी बेनाइन ट्रेमर और मैलिग्नेंट ट्रेमर। बेनाइन मीन्स जो फाइन ट्रेमर्स होते हैं, मीन्स आई एम सिटिंग एंड I'm having tremor, but you will not able to rule out it. But there can be malignant tremor or means coarse tremor, means this type of tremor. To manage that, हम लिथियम को स्टॉप नहीं कर सकते. We should stop the tremors. For that, we can use beta blockers like most commonly drug is propranolol. Then we should regularly check for serum creatinine because it can cause nephropathy. And we should check TSH level also because it can cause hypothyroidism. Means these are the special consideration. Then बात आती है lithium toxicity की. इससे एक या दो question हमेशा बनता है. Psychopharmacology की भी बात करें तो normal जो range होती है lithium dose की, it should be between 0.5 to 1.5 milliequivalent per liter. Therapeutic levels means जो सबसे अच्छा effect produce करेगी, it will be in between 0.8 to 1.2 milliequivalent per liter. अगर more than 2 milliequivalent per liter हो जाते तो it can cause lithium toxicity, means signs of lithium toxicity. और lithium toxicity में जो sign and symptom रहेंगे, it will be malignant tremors, means coarse tremor will be there, delirium, incontinence, seizures और myoclonic jerks in muscles will be there. जब patient की lithium चल रही होती है, तो उस case में जो other drugs है, like NSAIDs, diuretics, antihypertensive या theophylline, there will be chances of drug interaction. तो हमें बहुत ही cautiously administer करना है, it can lead to lithium toxicity. और हमें पेशेंट को एडवाइस करना है टू कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विद सोल्ट टू प्रिवेंट लिथियम टॉक्सिसिटी। बिकॉज अगर पेशेंट लेबरर है, बहुत ज्यादा धूप में काम कर रहा है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो इट कैन लीड टू डिक्रीज इन सोडियम लेवल ड्यू टू एक्सेसिव स्वेटिंग। सो वी शुड एडवाइज पेशेंट टू मेंटेन द प्रॉपर हाइड्रेशन इफ पेशेंट इज टेकिंग लिथियम। देन वी शुड रेगुलरली चेक फॉर द सीरम लिथियम लेवल। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है किस टाइम हम सैंपल लेते हैं, मेनली हम मॉर्निंग सैंपल प्रेफर करते हैं और उससे पहले हमें 12 से 14 घंटे पहले लिथियम की डोज को स्टॉप करना होता है और हर 6 महीने में हमें इलेक्ट्रोलाइट्स देखने होते हैं बिकॉज सोडियम और अदर इलेक्ट्रोलाइट्स का इंबैलेंस हो सकता है व्हेन पेशेंट इज टेकिंग लिथियम ड्रग। अगर हम इंडिकेशन की बात करें तो वो हम स्पेसिफिक डिसऑर्डर में देखेंगे, लेकिन अगर हम सेफेस्ट ड्रग देखें प्रेगनेंसी में, सो फॉर मूड स्टेबलाइजेशन इट इज लैमोट्रिजिन, एक्यूट मेनिया में लिथियम इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड, एंड साइक्लोथीमिया के केस में सोडियम वेलपोरेट। देन कम्स टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग दैट इज एंटी साइकोटिक्स। इसके अंदर हम मेनली चार पाथवे देखते हैं, डोपामिन पाथवे,
मिजोकोर्टिकल पाथवे, मिजोलिम्बिक पाथवे, नेग्रोस्ट्रेटल पाथवे, ट्यूबरो इन्फंडिबुलर पाथवे। मिजोकोर्टिकल पाथवे की अगर हाइपो फंक्शनिंग है, मीन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, कम कर रहा है, इट विल लीड टू नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। मिजोलिम्बिक पाथवे अगर हाइपर फंक्शनिंग है तो इट विल लीड टू पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। अगर नेग्रोस्ट्रेटल पाथवे में चेंजेस है तो इट विल लीड टू ईपीएस, मीन्स एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट रहता है एंटीसाइकोटिक्स का। देन अगर ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे में चेंजेस है तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन लेवल। And we know dopamine is also known as prolactin inhibiting factor. Then types of antipsychotic drugs. It can be typical, it can be atypical. Typical जो हम पहले use करते थे या सबसे पहले जो psychosis को treat करने के लिए discover हुई थी। Atypical जो newer drugs है। Typical का example haloperidol, chlorpromazine या flufenazine। Atypical में risperidone, olanzapine, aripiprazone और clozapine। जो टिपिकल होती है वो mainly block करती है dopamine receptor को, complete block करती है, जिसकी वजह से क्या रहती है, ईपीएस सिम्टम्स आते हैं, साइड इफेक्ट्स आते हैं। एटिपिकल पार्शियली ब्लॉक करेगी डोपामिन रिसेप्टर्स को, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस ईपीएस, बट इसके अंदर मेनली जो रहेगा वो सीरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है, जिसके कारण सेडेशन साइड इफेक्ट है, वेट गेन, डिसलिपिडेमिया या हाइपरग्लाइसीमिया या अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। बट जो मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट है वो टिपिकल में कम रहेंगे, उसमें प्रोमिनेंट रहेंगे ईपीएस। देन कॉमन साइड इफेक्ट, टिपिकल में ईपीएस, एटिपिकल में मेटाबॉलिक। अगर हम बात करें बेस्ट एंटीसाइकोटिक की तो वो है क्लोजापिन, जो मेनली एटिपिकल के अंदर आती है, बट नॉट फर्स्ट चॉइस ड्यू टू इट्स साइड इफेक्ट। तो अगर किसी को भी साइकोसिस की प्रॉब्लम है, स्किजोफ्रेनिया, अदर डिसऑर्डर है, फिजिशियन पहले दो एंटीसाइकोटिक ट्राई करते हैं, वो दोनों फेल हो जाते हैं, तो थर्ड ड्रग कौन सी रहती है, क्लोजापिन। तो साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इनके, इट कैन लीड टू इंक्रीज इन सलाइवेशन, डिक्रीज इन सीजर थ्रेशोल्ड, और दो इसके लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, इट कैन लीड टू मायोकार्डाइटिस और ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, मींस डिक्रीज इन लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो दो लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट होते हैं क्लोजापिन के, दैट इज मायोकार्डाइटिस और ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। तो उसके लिए हम पेशेंट का, अगर पेशेंट को स्टार्ट हुआ है क्लोजापिन, तो 6 महीने तक हम हर हफ्ते पेशेंट का सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, देन 6 से 12 महीने तक हर 15 दिन में करेंगे, एंड आफ्टर 1 ईयर हर मंथ हम पेशेंट का सीबीसी करेंगे टू रूल आउट द ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। तो ये कितने पेशेंट में होता है, ये मेनली 1 to 1.2% केसेस में होता है, मीन्स इट इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापिन। देन वन थिंग इज देयर, दैट इज इन ल्यूवी बॉडी डिमेंशिया, पर्सन विल बी हाईली सेंसिटिव टू इवन स्मॉल डोजेस ऑफ एंटीसाइकोटिक, तो उस केस में जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी दैट विल बी क्लोजापिन। Then comes to life-threatening complication of antipsychotics. Means it can lead to agranulocytosis, myocarditis, laryngeal dystonia, and it can cause neuroleptic malignant syndrome, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Then comes to extra pyramidal side effect. बहुत बार पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है या 1-2 MCQ, तो इनकी टर्मिनोलॉजी पे आते ही हैं। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, इट कैन बी एक्यूट, इट कैन बी क्रोनिक। एक्यूट के अंदर रहेगा डिस्टोनिया, अकाथेजिया और न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम। क्रोनिक के अंदर मेनली रहेगा स्यूडो पार्किंसोनिज्म, टार्डिव डिस्टोनिया, टार्डिव डिस्काइनेजिया और क्रोनिक अकाथेजिया। इन एक्यूट देयर कैन बी डिस्टोनिया, डिस्टोनिया मीन्स इनवॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स, स्पाज्म हो जाएगा जो फेशियल मसल्स है, आर्म्स, लेग्स, नेक, और पेशेंट इनवॉलंटरी मूवमेंट करेगा। ट्रीटमेंट में हम एंटीकोलिनर्जिक इंजेक्शन देते हैं। देन कम्स टू एकाइनेशिया, एकाइनेशिया मीन्स मस्कुलर वीकनेस। देन इट कैन लीड टू ओक्युलोगायरिक क्राइसिस, मीन्स अनकंट्रोल्ड रोलिंग बैक ऑफ आईज, देयर विल बी एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ आईज। इट कैन लीड टू अकाथेजिया, मीन्स जो इनर रेस्टलेसनेस, मेनली इन पेशेंट में लेग मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। इट कैन लीड टू रिस्क ऑफ सुसाइडल बिहेवियर, क्यों, पेशेंट विल बी वेरी मच रेस्टलेस फ्रॉम इनसाइड, पेशेंट एक जगह रुक नहीं पाएगा। ट्रीटमेंट में मेनली हम डीपीटी फॉलो करते हैं, दैट इज डाइजिपाम, प्रोपेनोलोल और ट्राइहेक्सेडाइल फिनाइल। देन इट कैन लीड टू सीडो पार्किंसोनिज्म, मीन्स जो वो एक्चुअल पार्किंसन नहीं हुआ है पेशेंट को, बट इट विल मैनिफेस्ट लाइक पार्किंसोनिज्म। तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे ईपीएस में पेशेंट को, ट्रेमर, शफलिंग गेट, मीन्स पैर घिसड़ा घिसड़ा के पेशेंट चल रहा है, ड्रूलिंग मीन्स सलाइवा एक तरफ से आ रही है, रिजिडिटी, बॉडी टोन चेंजेस, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, सीडो पार्किंसोनिज्म, एकाइनेशिया मीन्स जो मसल्स वीक हो गई है पेशेंट की, अकाथेजिया मीन्स इनवॉलेंटरली मूवमेंट हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है पेशेंट को। देन कम्स टू न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ये मेनली 3 चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है, हाइपरथर्मिया, डेलिरियम एंड लिड पाइप लाइक रिजिडिटी, देर विल बी रिजिडिटी। इसके अंदर अगर हम बायोकेमिकली टेस्ट करके देखेंगे तो देर विल बी इंक्रीज लेवल ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फेट काइनेज, डब्ल्यूबीसी और मायोग्लोबिन्यूरिया, मीन्स जो मसल्स है
उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सारे मसल प्रोटीन दिखेंगे. इट कैन लीड टू एआरएफ मींस एक्यूट रीनल फेलियर. सो इट कैन बी अ कॉज ऑफ डेथ. मींस न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम कैन बी अ कॉज ऑफ सडन डेथ. फॉर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम वी शुड फॉलो बड़े मींस बिफोर ब्रोमोक्रिप्टिन ए मींस एमेटिडिन डी फॉर डेंट्रोलियन और ई मींस ईसीटिन. देन इन क्रोनिक ईपीएस इट कैन लीड टू टार्डिव डिस्काइनेसिया और टार्डिव डिस्टोनिया. देन टार्डिव डिस्काइनेसिया मींस बिजार एंड एबनॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ फेस टंग एंड नेक. इसमें हम ट्रीटमेंट में मेनली क्लोजअप इन देते हैं जो आप फोटो में देख रहे हो बिजार एंड एबनॉर्मल मूवमेंट. तो टुडे वी हैव सीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ साइकेट्रिक ड्रग्स सेडेटिव हिप्नोटिक एंग्जायटिक एंटी डिप्रेसेंट मूड स्टेबलाइजर लिथियम साइड इफेक्ट टॉक्सिसिटी देन antipsychotics, the different types, side effects, life-threatening complication due to antipsychotics and extrapyramidal side effects. If you like this video, give a big fat thumbs up and subscribe my channel if you haven't subscribed it. Until we meet, have a nice day. Bye-bye.